गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। कि आपके पास जो गिवन पार्ट है इनके क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। यानी आपने जो रेशियो फाइंड आउट करना है वो किसका करना है, साइकिल का रेशियो स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर। तो यानी आपके पास जो साइकिल की स्पीड है वो क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर। इसका जो रेशियो निकालना है वो किसके साथ निकालना है, 30 किलोमीटर पर आवर के साथ। तो यहां पर आपके पास यूनिट दोनों की क्या है, सेम है, किलोमीटर पर आवर है। तो आपको रेशियो निकालना है तो क्या है, 15/30। यानी 15 1 15 15 2 30। तो जो आपका स्पीड का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:2। जो साइकिल और जो स्कूटर की जो स्पीड होगी उनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:2। सेकंड पार्ट है उसका क्या, आपके पास 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। यानी आपके पास जो 5 मीटर है उसका आपने रेशियो निकालना है 10 किलोमीटर के साथ। तो सबसे पहले आपको दोनों को किस में करना है, सेम यूनिट में करना है। तो यहां पर मीटर, यहां पर किलोमीटर, इस किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 1 किलोमीटर = 1000 मीटर। तो आपके पास क्या होगा, 5:10 × 1000। तो अब आपके पास ये भी मीटर में है और ये भी किस में है, मीटर में है। तो यहां से क्या आएगा, 5:10,000। तो आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करें, 5 / 10,000। 5 × 5 = 10। तो आपके पास जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:2000। नेक्स्ट जो पार्ट है आपके पास सी पार्ट, उसमें क्या है, 50 पैसे 2 रुपीज 5। यानी 50 पैसे का जो आपने रेशियो निकाला है 5 रुपीज के साथ निकालना है। तो सबसे पहले दोनों की यूनिट को क्या करना है, सेम करना है। तो यहाँ पर जो रुपीज में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। और जो 1 रुपीज है उसमें आपके पास पैसे होते हैं वो कितने होंगे, 100 पैसे। तो आपको यहां पर जो रेशियो निकालना है सी पार्ट का वो क्या होगा, 50:5 × 100। तो 50:500। तो आपके पास रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 50/500। 1 0 से 1 0 5 1 5 5 1 5। तो आपके पास क्या आएगा, 1:10। यानी आपके पास जो थर्ड पार्ट है, जो सी पार्ट है, 50 पैसे 2 5 रुपीज के साथ जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:10 आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। जो आपके पास ये रेशियो गिवन है इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जो ए पार्ट आपके पास 3:4, तो 3:4 को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3/4। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4 × 4 = 4 से क्या आएगा, 25 आएगा। तो आपके पास क्या आएगा, 75%। यानी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। जो आपके पास जो सेकंड पार्ट है 2:3, तो यहां पर क्या आएगा आपका, 2/3 × 100। तो यहां पर 3 से कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 200/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 2/3%। तो यानी आपका जो 2:3 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, 66 2/3%। छोड़ दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि आपका 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। कि जो आपके पास 25 स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या है, 72% क्या है, इंटरेस्टेड है मैथ्स में।
हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो आपके पास यहां पर क्या करना, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स 25 जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या है 72%। तो यानी 25 जो स्टूडेंट हैं इनका क्या निकालना है 72%, और परसेंटेज बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे आप डिवाइडेड बाय 100। 25 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 4 4 1 4 4 8 32। यानी आपके पास जो इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट है वो क्या है 18 है। तो आपके पास पूछा हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो आपके पास जो नॉट इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से जो आपके पास मैथ्स में जो इंटरेस्टेड है उनको क्या करेंगे आप माइनस करेंगे। तो 18 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 25 माइनस 18 आपके पास कहेंगे 7 स्टूडेंट्स आएंगे। अब 7 स्टूडेंट्स है, आपको इनको परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट है वो नॉट इंटरेस्टेड है। तो आप क्या करेंगे 7/, यानी आपके पास जो नॉट इंटरेस्टेड है वो क्या है 7 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 25 है, मल्टीप्लाई बाय अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। 25 1 25 4 7 4 28%, यानी 28% जो स्टूडेंट्स है वो क्या है नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, कि आपके पास एक फुटबॉल की टीम उन्होंने क्या कि 10 मैचेस को वोन किए हैं, तो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, जो आपने 10 मैच जो जीते हैं उनका क्या है वो 40% है किसका टोटल मैचेस का, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो आपके पास यहां पर सबसे पहले आपको क्या बनना है टोटल नंबर ऑफ मैचेस, लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू एक्स, तो जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस उसका क्या है 40% है, यानी एक्स यानी 40% ऑफ टोटल मैच इज इक्वल टू क्या आपके पास 10, क्योंकि आपको गिवन है 10, तो यहां से आपको निकालना, तो आप क्या कहेंगे 40% यानी 40/100 इनटू एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहां से आपकी 10 से 10 कैंसिल, 2 2 4 2 5 10 आपके पास क्या आएगा 2/5 इनटू एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहां से आपको क्या करना, वैल्यू निकालनी किसकी एक्स की, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या करेंगे 10 into 2/5 मल्टीप्लाई इधरा करके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/2 2 1 2 2 5 10 यानी 5 5 25। तो यानी आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ जो मैचेज है वो क्या है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ सलेनी हैड रुपीज 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, यानी उसको क्या है कि उसके पास 600 क्या हो जाते हैं लेफ्ट हो जाते हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, कि उसकी जो मनी है उसका 75% स्पेंड यानी खर्च करने के बाद जो उसके पास लेफ्ट वो क्या है 600 रुपीज। हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, तो उसके पास जो स्टार्टिंग में जो उसकी मनी है वो आपने फाइंड आउट करनी है, तो यानी आपको लेट करना है, लेट हर मनी इन द बिगिनिंग, लेट हर मनी इन द बिगिनिंग इज इक्वल टू एक्स,
जो स्टार्टिंग में उसकी जो मनी है उसको आपने लेट किया कि वो क्या है एक्स रूपीज है, और उसने क्या किया 75% को क्या किया खर्च किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उसके पास जो उसकी स्टार्टिंग में जो मनी है वो क्या है एक्स है, जो उसने खर्च किया उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना खर्च किया एक्स का 75%, यानी 75% ऑफ एक्स, यानी उसके पास जो उसकी मनी वो एक्स है, एक्स में से उसने जो खर्च किया वो क्या है 75% ऑफ एक्स, और उसके पास जो लेफ्ट मनी बची है वो क्या है 600 रुपीज। तो यहां से आपको क्या निकाला एक्स माइनस 75% परसेंट को रिमूव करेंगे आपको हमें क्या आएगा 100 आएगा, इनटू एक्स इज इक्वल टू 600। तो यहां से आपको क्या निकालना है 25 से 3 पर जाएगा, 25 से 4 पर जाएगा, यानी एक्स माइनस 3/4 एक्स इज इक्वल टू 600। तो यहां से आपका 4 एलसीएम आएगा, 4x माइनस 3x, क्योंकि यहां पर x के अपॉन क्या आएगा आपका 1 आएगा, तो आपका क्या होगा 4x माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 600। यहां से 4 माइनस 3 आपके पास क्या बचेगा 1x/4 इज इक्वल टू 600। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है x की करनी है, तो आप यहां से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 1x की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो क्या आएगा आपके पास x आएगा, x इज इक्वल टू 4 × 600। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2400 यानी 2400, यानी जो उसकी मनी थी स्टार्टिंग में बिगनिंग में वो क्या थी 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो यहां पर आपके पास जो क्रिकेट को पसंद करते हो क्या है 60% है, तो यानी आपके पास जो क्रिकेट को पसंद करेंगे लाइक करेंगे वो क्या है 60%, और आपके पास 30% है वो किसको करते हैं फुटबॉल को करते हैं, अब आपके पास जो अदर गेम्स बच गई कि आपके पास जो टोटल परसेंट है वो 100 है, अगर 100 में से आप क्या करेंगे क्रिकेट प्लस फुटबॉल को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या बचेंगे अदर गेम्स का परसेंटेज आ जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना 100% माइनस 60% प्लस 30%, तो जो अदर गेम्स का जो परसेंटेज आएगा क्या आएगा 100% माइनस 90%, तो आपके पास क्या आएगा 10%, जो अदर गेम को लाइक करेंगे वो क्या है 10%। नेक्स्ट आपके पास क्या है टोटल नंबर ऑफ जो पीपल हो क्या है 50 लाख, तो यहां पर आपने बताना है कि आपके पास जो क्रिकेट को लाइक करते हैं वो कितने हैं, फुटबॉल को कितने हैं, और आपके पास जो अदर गेम्स हैं उनको कितने लाइक करते हैं। तो आपके पास जो क्रिकेट को पसंद करते हैं 60% ऑफ 50 लाख, तो यहां पर आपने 50 लाख का क्या निकालना है 60% निकालना है, तो आपके पास क्या है 60/100 मल्टीप्लाई बाई 50 लाख, तो यहां से आपका 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास क्या है 6/5 = 30 लाख, यानी जो क्रिकेट को लाइक करते हो क्या है 60 लाख। नेक्स्ट आपको निकालना है फुटबॉल, जो फुटबॉल को करते हैं वो क्या है आपके पास 30%, 30% आपने निकालना है किसका 50 लाख का, 30% ऑफ 50 लाख,
तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 30/100 × 50 लेंथ। तो 10 से 10 कैंसिल, या 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा, 5 × 15 लेंथ। तो आपके पास जो अदर गेम्स बच गए उसमें क्या करना है, या तो आप 10% निकालिए 50% का, या आपको क्या करना है, टोटल में से आपको क्या करना है, इन दोनों के ऐड को माइनस करना है, इन दोनों को सम करके क्या करेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे, या आप 10% निकालेंगे तो जो अदर गेम्स बच गए आपके पास, 10% of 50 लें, 10% means 10/100 × 50 length, 10 से 10, 10 से 10, 5 × 5। तो आपके पास जो अदर गेम्स को जो लाइक करते हो क्या है, 5 लेग है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.1 क्या है, कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।